दिव्य हिंदी न्यूज, लोकशाही का मजबूत आधार स्तंभ। भारतीय गणतंत्र दिन के उपलक्ष में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम पर आज सुबह 9:15 बजे मुख्य प्रशासकीय ध्वजारोहण संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के पालक मंत्री माननीय ओम प्रकाश कडू के हाथों झंडा फहराया गया। इसके साथ ही पालक मंत्री ने पुलिस और अर्धसैनिक बल, गृह रक्षक दल के जवानों की ओर से सलामी स्वीकारी तथा परेड का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम के बाद पालक मंत्री ने उपस्थितों तथा जिलावासियों को संबोधित किया। देखिए आज के कार्यक्रम के कुछ दृश्य। उपस्थित सर्व आमचे अधिकारी कर्मचारी सर्व पत्रकार बंधू शिक्षक बंधू विद्यार्थी बंधू त्यांना सुद्धा शुभेच्छा देतो। खरं तर प्रजासत्ता म्हणजे प्रजेचं राज्य, आपण त्या प्रजेपासून दूर गेलो नाही पाहिजे हा सातत्यानं आमचा प्रयत्न आहे। जिल्ह्यामध्ये विविध कामं करत असताना अजूनही काही गोष्टी बाकी आहेत। कोरोनामुळे बऱ्याच गोष्टी लोकांचा संपर्क आमचा होऊ शकला नाही याची सुद्धा आम्हाला शंका आहे, पण येत्या काळामध्ये जसा कोरोना कमी होईल तशा पद्धतीनं आम्ही अधिक लोकसंपर्क एक आम्ही पाहतो असताना सुद्धा एकता कशी राखता येईल अशी आपण पाहतोय। का विकास म्हणजे फक्त इमारती बांधणं नाहीये। संकल्पना ही माननीय जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांची मार्गदर्शन आरडीसी प्राध्यापक श्री संजय खडसे सर प्राधान्याने व आत्मीयतेने करावयास पाहिजे, तेव्हाच आमचे राष्ट्र हे जगातील महासत्ता व महाशक्ती बनेल आणि तीच भारत मातेच्या सुपुत्रांना महापुरुषांना खरी आदरांजली ठरेल। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।